ठीक है। अच्छा, मशीन भी बटा लगी है। हाँ बटा लगी है, राइट। इसका बिल्कुल ओके कंडीशन में, बेड बिल्कुल फाइन है। ओके, इसमें रोटरी टेबल लगा हुआ है अंदर। ओके, वो रोटरी स्पेशल दिखाना, इसको पास करके दिखाओ, हल्का सा दो हाथ से पकड़िए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सर के सेकंड गोदाम में, जहाँ पे आपको 6-7 जो है कम से कम हमारे पास सीएनसी मशीन है, हाइड्रोलिक है, ये 200 टन में हाइड्रोलिक मशीन है। इसका पावर पैक वो साइड में पड़ा है। ओके, और इसमें डाई कुशन भी लगा हुआ है नीचे। रनिंग में है सर ये भी? जी कम्प्लीट है सर, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है। ओके, आपको कोई ड्रॉ करना है या डीप ड्रॉ करना है जो वो सब कम्प्रेस कवर करो इस मशीन को हल्का से धीरे धीरे। तो ये सर कितनी पुरानी मशीन होगी सर? मॉडल मेक नहीं होता, कंडीशन। ये दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आप लोग की दुकान पे दोबारा से फरीदाबाद, जहाँ पे होने वाली बहुत सारी मशीनें। कंपनी के ओनर से बात करते हैं। नमस्कार सर, राम राम, कैसे हैं आप? जी राम राम। सर एक बार दोबारा से कंपनी का नाम और अपना नाम बताइए यहाँ पे। सर फर्म नेम है जय बालाजी एंटरप्राइज। ओके, ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। जी, ऑन बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी। बहुत बढ़िया सर, एक बार बताइए आपकी, हमने 3-4 वीडियो डाली है, तो कैसे क्या रिस्पांस रहा थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ से कॉल ही रिस्पांस क्या रहता है? पैन इंडिया से मेरे कॉल आए और उनमें से काफी लोग आके यहाँ पे डील करके गए हैं। ओके, जिनके लिए पॉसिबल होता नहीं है कि दूर से आने के लिए, तो वीडियो कॉल पे यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर दिए जाती है कि आपको इसके पैरामीटर आपको समझा देंगे, बाकी आपको जब सूटेबल लगे डील फाइनल करने के लिए जब आ सकते। बहुत बढ़िया। तो सर इसमें, इस वीडियो में कौन कौन सी मशीन जो है कवर करने वाले हैं फिलहाल? सर अभी प्रेसेस है मेरे पे, बेल्डिंग मशीन है, ये सारी मशीनें हैं। बाकी सर का एक गोदाम भी है, वहाँ से भी कवर कर लेंगे। सीएनसी मशीन है, बीएमसी है। बहुत बढ़िया, मैं आपको गोडाउन पे देखा। बहुत बढ़िया, सबसे पहले ये मशीन देख लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड आ जाओ आप। इधर बताइए सर कौन सी मशीन है, कैसे क्या है? सर ब्रेक प्रेस मशीन है गोदरेज की, 170 टन की। अच्छा, इसका जो है अगर लंबाई की बात करें, क्या 3 मीटर लेंथ है और 8 mm कैपेसिटी है। ये क्या दिया रखा है, इसमें क्या होता है? इसका सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर। ओके, थोड़ा पीछे से कवर करो इस मशीन को हल्का से धीरे धीरे। तो ये सर कितनी पुरानी मशीन होगी सर? मॉडल मेक नहीं होता, कंडीशन। जी सर, अगली मशीन कौन सी है? सर ये है मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है। इसके हेड्स पड़े हुए हैं, यूनिवर्सल है, आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से इसमें जॉब कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और 1600x400 बेड साइज है इसका। अच्छा जी, और ये? ये सर शीट स्ट्रेटनिंग है, शीट स्ट्रेट करने। अच्छा, स्ट्रेट करती है। इसमें जो HRCR शीट जब लगती है वो रूलर मशीन भी कहते हैं। ओके, हाँ जी। आइए थोड़ा सा आगे आइए, हल्का सा, दोनों तरह के। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे। एक पावर प्रेस खरी सर, काफी हैवी मशीन है वाली। जी सर 200 टन में है, H फ्रेम में, और ये डबल V में है। एक बार ऊपर से नीचे तक दिखाओ, धीरे धीरे। ओरिजिनल मशीन है, हेलिकल गियर में, गियर वेयर बिल्कुल साफ है। बहुत बढ़िया, कोई ब्रेक डाउन नहीं है मशीन में, कुछ भी नहीं। ये हाइड्रोलिक है सर? ये सर ऊपर से कंडीशन ओके। इसमें गेज जो है वो बॉल स्क्रू के लग रखे हैं। ओके, पीछे से एक बार मशीन को दिखाओ, कैसे मशीन दिख रहा है? इसमें एलिवेटिंग 4 एक्सिस है, अप डाउन का भी एलिवेटिंग स्क्रू दे रखा है उसमें। बहुत बढ़िया। जी सर, तो अगली मशीन कौन सी दिखा रहे हैं? घनश्याम जी ये आ रखी है, 4 मीटर की ब्रेक प्रेस मशीन मेरे पे। ठीक है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है इसका। ओके, और 4 मीटर लेंथ है इसकी। इसमें क्या कटिंग होती है, बेंडिंग होती है? बेंड करेगा, बेंड करेगा। जी जी, रॉड वगैरह होंगे उसे बेंड कर, सीजन बेंड के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर दे रखा है इसमें। ओके, इसके थ्रू होता है, जैसे मर्जी आप कर लो आराम। पीछे भी एक सर मशीन है अपने पास, ये भी हाइड्रोलिक बेंडिंग है, एलबीडी यूरोप की। ओके, ये 3 मीटर है, 3 मीटर 120 टन, 80 टन है। ठीक है, और एक मशीन सर ये है, इसे ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है। ओके, आपको कुछ ड्रॉ करना है या डीप ड्रॉ करना है जो वो सब कंप्रेस करना है तो उस काम के लिए कर देती है ना जी, 125 टन में कैपेसिटी। बाकी एक मशीन ये है, पावर प्रेस है कौन? ये पावर प्रेस है सर, 50 टन में। ये कौन सी टाइप है सर? ये एच फ्रेम में, शीट मेटल के काम के लिए आती है जॉब के लिए। बहुत, बाकी इसका 1 मीटर गैप है, जिसको ज्यादा गैप चाहिए उसके लिए बहुत बढ़िया मशीन है। बहुत बढ़िया, और रनिंग कंडीशन में। और ये सर मशीन अपने पास यहाँ पे ही है? सर ये मिलिंग मशीन है, यूनिवर्सल, आपकी कटिंग के लिए। ठीक है, फेसिंग के, फेस कटिंग के लिए, या फिर आप हाइड्रोलिक है, ये 200 टन में हाइड्रोलिक मशीन है। इसका पावर पैक वो साइड में पड़ा है। ओके, और इसमें डाई कुशन भी लगा हुआ है नीचे। रनिंग में है सर ये भी? जी कंप्लीट है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सर के सेकंड गोदाम में, जहाँ पे आपको 6-7 जो है कम से कम हमारे पास सीएनसी मशीन है। सीएनसी मशीन दिखाएंगे सर यहाँ पे, बताना स्टार्ट कीजिए सर। सर एक ज्योति की DX200 आ रखी है, 500 इसकी लेंथ है। ओके, कंट्रोल है, MTD लिखा हुआ है, ये सारी चीजें MATTD। ठीक है, खुलेगा यहाँ से जी, और कंप्लीट रनिंग मशीन है। हल्का से धीरे धीरे आगे आओ, धीरे से दिखाओ अंदर में। इसमें चक साइज वैसे इसका 200 है, इसमें 250 का लगा हुआ है, प्लस ओके है, और लेंथ इसकी 500 है। इसे CNC बोलेंगे या आपको जो है? कंप्लीट टर्निंग सेंटर भी कहते हैं। ओके, कंप्लीट मशीन है। CNC वैसी दिखती है, VMC भी ऐसी दिखती है सर, ये दोनों अलग अलग। VMC मिलिंग का काम करती है, ये लेथ का। अच्छा, उसकी हाइट भी लंबी होती है, टर्निंग का काम। तो अपने पास अभी CNC है सारी, VMC भी है, VMC भी है, 3 एक्सिस 4 एक्सिस दोनों। एक ये मशीन है सर, यहाँ पे दिखाइए जी। जी ये सर, ये भी ज्योति की DX200 है, बट इसमें लेंथ 300 है, 300 लेंथ है इसमें। अच्छा हाँ, ये सीमेंस कंट्रोल में 8-8D जो लेटेस्ट है। जो CNC होती है सर वो लेथ मशीन का काम करती है जी, टर्निंग का काम करती है, टर्निंग का। और VMC जो होती है वो VMC मिलिंग का काम करती है, ऑटोमेटिक होती है।
दोनों ऑटोमेटिक है सर, कंट्रोल लग गया जिसमें ऑटोमेटिक ही हो। ओके, बाकी सर एक मशीन यहाँ पे है, ये कौन सी है अपने पास? ये भी DX200 है, 300 लेंथ है इसकी। ओके, सेम जो आपने अभी पहले देखी उसी के साथ की है। 2014 मॉडल है इन दोनों का। 2014 मॉडल है जी। बहुत बढ़िया, ये सारे अपर मॉडल है, मोर देन मतलब 2010 के मिलेंगे जी। एक मशीन अपने पास ये सर BMC है मेरे पे, ये प्लस पॉइंट ये 4-axis मशीन, इसपे रोटरी टेबल लगा हुआ है। ओके, वो रोटरी स्पेशल पॉइंट दिखाना, इधर पास करके दिखाओ हल्का सा, दो हाथ से पकड़िए जी। बताइए सर क्या क्या सिस्टम अंदर? ये सर 360x630 इसका साइज है। ओके, आराम से टेबल साइज जी 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 जी। और ये 2010 मॉडल है, ये टाटा का प्रोडक्ट है, ये टाटा की है सर, टाटा टाल की है। अच्छा, ये 600x300 है, टाटा इसमें भी घुसी हुई है? अच्छा, तो टाटा भी लिखा हुआ है, द टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये ज्योति की है, ये टाटा की। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक मशीन सर ये भी है सामने वाली, ये सर ये भी BMC है, PX10। ओके, ये भी कंप्लीट रनिंग है, सीमेंस कंट्रोल है इसका, 828D और कंप्लीट ट्रायल के, ये सारी मशीनें ट्रायल करके रखी हुई है, रखी हुई है, किसी को चाहिए तो वीडियो भी हम प्रोवाइड करते हैं, आप अपना सूटेबल लगे तो उसके हिसाब से। बाकी धीरे धीरे आ गया, एक मशीन यहाँ पे सर मार्शल की है, 500 लेंथ है इसकी। ओके, 10 इंची चक्की है, 250 इसका साइज है, चक साइज। बहुत बढ़िया, ये भी कंप्लीट रनिंग है। ठीक है, स्टॉप करो, तो अभी यही सीन रहेगा जी सर। ये कुछ ट्रॉप का लोड आया हुआ है मेरे पे, ये ट्रॉप मशीन है, ये 32 साइज के 32 mm तक इसमें जॉब कर सकते हो। ये है 32 की, पीछे 60 का साइज पड़ा हुआ है, ये 60 का है, 60 mm की। ओके, ऑटो टर्नर का मेक है इसका लुधियाना, और सारी कंप्लीट मशीन है, पाइप स्टैंड अवेलेबल है इनके साथ, मोटर इनकी सब कुछ अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 20 मशीनें पड़ी है, 20 मशीन है, वैरायटी अपने पास काफी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये लेंथ मशीन है अपने पास जी, एक ये 8 फुट की लेंथ है इसकी। ओके, और इसमें 16 इंची का चक्कर लग रहा है। ठीक है, 90 का बोर है इसका, और 15 इंची सेंट्राइट है, नवा शू की है, बहुत बढ़िया मेक है। अच्छा, बटा लगी है? हाँ, बटा लगी है, थ्रेड इसका बिल्कुल ओके कंडीशन में, बेड बिल्कुल फाइन है। ओके, लंबाई कितनी बताई आपने इसकी? सर 8 फुट लेंथ है, 8 फुट है, और गियरबॉक्स में, गियरबॉक्स भी है, फुल गियरबॉक्स। बहुत बढ़िया, स्टॉप कीजिए जी सर। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाओगे आप? सर यहाँ पे मेरे पे ट्रॉम मशीन पड़ी है। ओके, ये 25 mm की है। ठीक है, दो मशीनें पड़ी है, और हल्का सा आ गया धीरे से। इसके बाद आ जाते हैं, ये गैंग ड्रिल पड़ी है मेरे पे, डुअल हेड में, दिखाओ एक बार, पास से दिखाओ हल्का सा, जॉब कर सकते हो एक साथ। और ये जॉइंट है? जॉइंट है सर, ये टेबल बना रखा है साथ में, ये टेबल है सिंगल टेबल पे, प्रिसीजन वर्क के लिए, 1 इंची तक जॉब करेगी आपका। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ये स्पेशल आइटम है, दिखाइए आप, दिखाइए। इसके अलावा सर 0 नंबर में मिलिंग पड़ी है। ओके, अगर इसको छोटा जॉब है उसके लिए बहुत अच्छी मशीन है, बहुत बढ़िया जी, फाइन कंडीशन में। पीछे में क्या कह सकते हैं? हाँ, शेयरिंग है सर, आइए धीरे धीरे आगे आइए। ये शेयरिंग मशीन आई हुई है मेरे पे, ये अपनी कहाँ की है? पंजाब की, लुधियाना की, कहाँ की सर? सर ये तिरुपति का मेक है, इंडियन मेक है। इंडियन है जी जी। हाँ, ये शेयरिंग है? ये शेयरिंग है, अभी तो सेल हो गया बट इसका एडवांस आ गया। ओके, ऐसी और भी मेरे पे 12 शेयरिंग और पड़ी है। बहुत बढ़िया जी। ये कौन सी मशीन है सर? ये सर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है। अच्छा, जिसको ओडी जॉब हो, शाफ्ट का काम हो, उसके लिए 1200 लेंथ और 350 mm इसका सेंट्राइट है। बहुत बढ़िया जी। एक मशीन ये पड़ी अपने पास जी, मिलिंग मशीन है सर, मिलिंग, और ये वाली लंबी वाली सर रेडियल मशीन है, HMT की, RM60-1। ये सारी मशीन 50 mm तक आप इसमें ड्रिलिंग कैपेसिटी है। ठीक है, कंप्लीट मशीन है। ओके जी, पीछे जो मशीन है इसको बताइए, इधर सर ट्रॉप मशीन है, ऑटो टर्नर की है। ओके, 32 mm तक जॉब करेगी आपका। बहुत बढ़िया, बाकी ट्रिमिंग मशीन पड़ी है, स्टार्ट करो। तो बहुत अच्छा लगा सर, सारी जानकारी आपने जो हमारे चैनल के माध्यम से एक ही करके कवर कर लिया है। लास्ट में सर जाते जाते कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे? सर मैं यही बोलूंगा कि आपको जो भी इसमें आपने अभी तक मशीनें देखी है वीडियोस में, अगर इसमें से कोई आपकी रिक्वायरमेंट की है तो आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, फर्दर डिटेल आपको इंक्लूडिंग मतलब इसके प्राइस में या पैरामीटर में कोई कंफ्यूजन हो तो वो सब मैं उस पर सॉल्व कर दूंगा। बहुत बढ़िया, और इनकेस अगर आपको डिटेल चाहिए प्रॉपर तो आप किसी बंदे को भेज सकते हो, अपने टेक्निकल पर्सन को, वो आके यहाँ पे चेक कर ले जी, बाद आप डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। बाकी सर अभी जो है नेक्स्ट टाइम जो है और भी मशीन आने वाली है जी, हर हफ्ते नए स्टॉक आते हैं, कोई ना कोई अपडेट होता रहता है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको शेयर कर देता हूँ जिस पे आप कस्टमर हमारे। बाकी अगर जानना चाहें तो अगले भी कौन कौन सी मशीन आने की उम्मीद है अपने पास? सर हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपडेट होता कुछ है, कुछ अपडेट होता है कि अवेलेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहे, क्योंकि सर के साथ अपडेट होता है, ऐसी बहुत सारी डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर और भी लोगों के साथ अपडेट होते रहता है। मशीन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और कोई अगर यहाँ पे आना चाहता है तो कैसे विजिट करेगा सर आपके पास?
सर आप मैं वही बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि उससे क्या है, आप कॉल करके मेरे से लोकेशन ले सकते हैं या फिर फोन पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ जी कि आप कैसे आओगे या जो भी आपका वे आउट रहेगा वो आपको गाइड किया जाएगा। बाकी सर आपने जो है वीडियो में जी चैनल का नाम लिखा, कितने हजार का डिस्काउंट दोगे सर एक मशीन पे? सर आपके तरफ से जो भी आएगा मतलब 5 to 10,000 का डिस्काउंट है। ऐसा कर लेते हैं छोटी मशीन पे 5,000, बड़ी मशीन पे 10,000। सर जो जो पॉसिबल होगा मैं बेस्ट प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, कहने का मतलब ये अगर छोटी मशीन है जी जो बजट में अपने पास आ रही है तो 5,000 का डिस्काउंट ले सकते हैं मेरे नाम पे। एज पर मशीन जो भी पॉसिबल होगा वो कर देंगे। बाकी अगर बड़ी मशीन है, हैवी मशीन है तो उस पर 10,000 का डिस्काउंट दे देंगे। बिल्कुल। बाकी दोस्तों नंबर आपको दिख रहा होगा सर का, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उनसे बात कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।